हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज़, अभी मैं जा रहा हूँ हिसार मेरा नया लैपटॉप लेने के लिए फाइनली, जो कि मेरे को एक साल पहले से लेना था, बट थोड़ा बजट नहीं हो पा रहा था। बिकॉज़ लेना है तो अच्छा लेना पड़ेगा ना, बिकॉज़ मैं यूट्यूबर हूँ। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ मेरा नया लैपटॉप लेने के लिए। और क्यों ले रहा हूँ और कौन सा लेता हूँ, कितने का लेता हूँ, वो मैं आपको आने के बाद बताऊँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ पापा जी के साथ में, और एक भैया हैं जिनको लैपटॉप्स के बारे में फुल नॉलेज है। मेरे को इतना कुछ पता नहीं है अभी। मैं यूजली यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ओनली कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक लोकल है जो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं एक बार हिसार और देखते हैं मैं कौन सा लेता हूँ। और मैं वहाँ ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे अच्छे से लेना है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको शोरूम दिखा दूंगा। तो चलो गाइज, अभी मैं घर पे आ गया हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फील कर रहा हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो एक्साइटिंग तो फील आता ही है एक दो दिन। तो फाइनली मैंने नया लैपटॉप ले लिया, और ये इसका बॉक्स है। और लैपटॉप मैंने लिया है लेनोवो का, और ये गेमिंग लैपटॉप है एक। तो ये इसका बॉक्स है जिसके अंदर से मैंने पहले वहीं निकाल लिया था। तो लैपटॉप दिखा देता हूँ मैं आपको सीधा। तो गाइज़, ये है हमारा लैपटॉप ब्लैक कलर का। तो लुक मैं भी आपको अच्छे से दिखा दूंगा एक बार, फिलहाल देख लो कुछ इस तरह का है। इधर से इसकी लुक कुछ इस तरह की है देखो, और सामने से कुछ इस तरह की है। कितने का पड़ा हुआ मैं आपको बताऊंगा अभी, फिलहाल अभी देख लो। और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। 4GB ग्राफिक कार्ड है इसमें बढ़िया वाले। और वैसे मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो भैया गए थे उन्होंने अच्छे से दिलाया। बिकॉज मैंने उनको बोला मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए, तो मुझे बेस्ट ही दिलाना और अपना बजट वगैरह बता दिया था मैंने उनको। तो इसमें 8GB तो रैम है, 1TB हार्ड डिस्क है, और 250GB SSD है। तो SSD से तो काफ़ी फास्ट चल रहा है। मतलब मेरे पास पहले था वो मैं आपको दिखाऊंगा पहले वाले क्या हाल हो रखे हैं। उसको मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ करता था। और प्रोसेसर है इसमें i5 9th generation, जो कि आई थिंक मेरे लिए सफिशेंट है। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी तक मैं अपनी सारी वीडियोस जितनी मैंने बनाई, मैंने ऑलमोस्ट 700+ वीडियोस बना लिए टोटल, आर्ट और व्लॉग। मैंने अभी चेक किया मेरे व्लॉग्स, 100 से ज़्यादा मैंने व्लॉग अपलोड कर दिए अपने व्लॉग वाले चैनल पे, लिटरली 100+ व्लॉग्स। मतलब स्टार्टिंग में सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इतने सारे व्लॉग्स बना लूँगा। एक साल में मैंने 100+ व्लॉग्स बना लिए गाइस, लिटरली। और तो ये फ़ोन है मेरे पास जिससे मैं अपने सारे काम करता था अभी तक। 500+ वीडियोज़ तो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद मैंने अभी एक साल पहले मैंने DSLR लिया था, उसके बाद मैंने DSLR से रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की। अब तो मैं सारी वीडियोज़ कैमरे से ही रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ोन से बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। बट जो एडिटिंग है, अपलोडिंग है, और सारे काम जो भी मतलब पोस्ट करना हो कहीं पे, थंबनेल वगैरह, सब कुछ मैं फ़ोन से करता हूँ। मैं लैपटॉप से कुछ भी नहीं करता अभी तक। मैंने 4 लाख सब्सक्राइबर करे और इतने सारे व्लॉग बना लिए, आपको पसंद भी आते हैं, आप कमेंट्स भी करते हो, आपको मेरे एडिटिंग स्किल्स भी बहुत पसंद आते हैं फ़ोन से। बट फिर भी मैंने अपग्रेड किया लैपटॉप पे, बिकॉज लैपटॉप में जो एडिटिंग होगी वो काफ़ी बढ़िया होगी। और लैपटॉप में मैं 60 FPS पे भी एडिटिंग कर पाऊंगा, बट फ़ोन में नहीं हो पाती थी। फ़ोन में ओनली 30 FPS होती थी, 30 से ऊपर नहीं होती थी, इसलिए मैंने लैपटॉप लिया। तो अब से जो आपको वीडियोज़ दिखेंगी वो और ज़्यादा स्मूथ दिखेंगी, क्योंकि मैं शूट तो 60 FPS पे ही करता हूं। जिनको नहीं पता FPS क्या होता है, वो आपको आने वाली वीडियोज़ मेरे आने वाले व्लॉग्स में चल जाएगा पता, जो आपको स्मूथ दिखेगा सब कुछ। शायद मैं इस व्लॉग को लैपटॉप पे एडिट करूं, तो देखते हैं जो भी सीन रहता है। तो एक मेन रीज़न तो यही था गाइज, एडिटिंग करनी है अच्छी वाली। अब अपने वीडियोज़ में सीखनी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आती। इवन मेरे को लैपटॉप में फीचर भी नहीं आते, ओनली कॉपी पेस्ट आता है और नेट चलाना आता है, वो तो हर किसी को आता होगा। गेमिंग लैपटॉप ले तो लिया, बट इसमें गेम मैं खेलने नहीं वाला, एक गेम भी डालने नहीं वाला, बस एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालना है और एडिटिंग करनी है। और गाइज, ये लैपटॉप लिया है मैंने खुद अपने पैसों से। मेरे को लेना तो एक साल पहले ही था, बट थोड़ा बजट नहीं हो रहा था, बिकॉज मेरे को अच्छा ही लेना था। तो फाइनली आज मैंने लिया, और ये मैंने अपना हर जगह से जोड़ के, यूट्यूब कमीशन हर जगह से। तो ये मेरे को कंप्लीट पड़ा है 70,000 का। वैसे काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि आपने मैकबुक प्रो क्यों नहीं लिया, वो एडिटिंग के लिए तो वो बेस्ट होता है। बट मेरे को उतनी हाई फाई एडिटिंग भी नहीं करनी है, व्लॉग्स तो सिंपल होते हैं, और मैकबुक प्रो तो लिटरली काफ़ी महंगा भी, आई थिंक 1.5-2 लाख का है, तो इतना मेरा बजट भी नहीं है। तो ये सही है बिल्कुल बजट में। और साथ में एक बैग भी मिला, जो कि ये है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, बिल्ट क्वालिटी इसकी बेस्ट है। और इसमें अपना कैमरा भी रख सकता हूँ, DSLR GoPro सब कुछ रख सकता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा, ये देखो इसके अंदर कुछ इस तरह का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, और इसमें मतलब सेफ़ रहेगा लैपटॉप भी और इवन कैमरा भी। तो ये बैग भी काफ़ी बढ़िया है, दोनों चीज़ मैं कैरी कर पाऊँगा अच्छे से।
और ये मैंने हिसार से लिया बिकॉज हांसी में तो कुछ मिलता नहीं है, हिसार में शोरूम है, HP और लेनोवो दोनों के बगल बगल में ही है। पहले मैंने HP के देखे, एसुस का भी देखा और डिफरेंट डिफरेंट देखे अच्छे से पहले, तो मेरे को यही पसंद आया बिकॉज इसके अंदर स्पेसिफिकेशन सब कुछ सही थी। मुझे तो क्या, जो भैया गए थे मेरे साथ उनको, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, वो ही कर रहे थे पता नहीं क्या, ग्राफिक्स का मेन कर रहे थे। बट जो भी है जल्दी जल्दी मैं सीखता हूँ एडिटिंग और फिर एडिट करेंगे। अब गाइज मैं आपको मेरा ओल्ड लैपटॉप दिखाता हूँ जो कि 5 साल पुराना है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अगर मैं एक दिन मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाला था इसके अंदर और लैपटॉप हैंग हो गया, ऐसे हैंग हुआ कि मतलब ऑन ही नहीं हुआ जब तक मैंने इसकी विंडो चेंज नहीं की, लिटरली इतना मतलब। इसके अंदर इसका यूज़ मैं करता हूँ ओनली कॉपी और पेस्ट करने के लिए, मुझे फाइल कॉपी पेस्ट करनी होती है जब हार्ड ड्राइव में, जो मेरी ड्राइंग वाली फाइल्स हैं उसी के लिए यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। इसके स्पीकर ख़राब है, यहाँ पे इसकी स्क्रीन ख़राब हो रखी है पूरी। इसके अंदर इसको बेचना था, मैंने पूछा कितने का बिकेगा, कह रहे 3-4 हज़ार रुपये का बिकेगा। मैंने कहा पड़े रहने दो, पीयूष चला लेगा, सीख लेगा कुछ तो। बट गाइज अब हमारे पास आ गया है बीस्ट, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, हैवी गेम खेल सकते हैं जो कि मैं कभी नहीं खेलने वाला, और एडिटिंग कर सकते हैं जो कि करते रहेंगे। अब तो एडिटिंग तो मैं डेली करता रहता हूँ, व्लॉग सब हर चीज़ एडिटिंग करते रहते हैं, तो सीखेंगे और यूट्यूब पे वीडियो सीख लेंगे। तो ये है हमारा नया लैपटॉप और गाइज ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया, आप इतना सपोर्ट करते हो, आप इतना लाइक करते हो, वीडियो शेयर करते हो, इतने व्यूज़ आते हैं, तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर यूट्यूब पे अगर मैं नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी इतना महंगा लैपटॉप लेता, घर वाले के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं। 2.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, 2.5 साल मैं यूट्यूब पे कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ और आज जाके मैंने लैपटॉप लिया है। तो जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल सकती है, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने भी फ़ोन से स्टार्ट किया था, सिंपल सा जोनी का फ़ोन था, उससे मैंने 200-300 वीडियोस बनाई थी मेरी, उसी से एडिट करके अपलोड करता था और सिंपल सा इतना घटिया कैमरा था उसका। उसके बाद मैंने ये फ़ोन लिया था, ये मैंने खुद लिया था कमीशन वर्क्स करके, इसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी शायद। फिर उसके बाद मैंने 250-300 वीडियो इससे बनाई, उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके कैमरा लिया, लेंसेज लिए, और मतलब जो भी अब मैं चीज़ें बाय करता रहता वो मैं खुद अपने पैसों से ही करता हूँ, और खुद के पैसे से बाय करने में लिटरली मज़ा ही अलग है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्टार्टिंग में सब कुछ हो, स्टार्टिंग में आपके पास अच्छे मटेरियल्स हों, अच्छे टूल्स हों, अच्छे गैजेट्स हों, आपके पास ओनली फ़ोन, जैसे कि मेरे पास फ़ोन था ओनली, मैंने अपने फ़ोन का यूज़ किया, अपने टैलेंट को दिखाया स्टार्टिंग में, मैंने चाहे मेरे को ड्रॉ अच्छे से नहीं आता था फिर भी मैं धीरे धीरे सीखता गया, मैंने हार नहीं मानी कभी भी, मैंने एक फ़ोन को अच्छी तरह से यूज़ किया। तो इसी तरह से अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आपको किसी गैजेट की ज़रूरत नहीं है गाइज, आपके पास ओनली फ़ोन होना चाहिए। बस आपको एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि आपको अपनी ऑडियंस को दिखाना क्या है, किस तरह से दिखाना है, ये मैटर करता है आई थिंक। मैंने ये एडिटिंग ले तो लिया जैसे लैपटॉप, अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे अपने ऑडियंस को दिखाना है, जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, मैं जैसे स्टार्टिंग से सुबह से लेके रात तक का मान लो मुझे पूरा व्लॉग बनाना है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैं मुझे आपको किस तरह से दिखाना है, स्टोरी टेलिंग टाइप में, आपको बोर नहीं करना है मुझे, आपको मज़ा भी आना चाहिए उसको देखने में। मान लो कुछ हो रहा है रोड पे, कुछ हो रहा है, मुझे उसकी वीडियो बनानी है, वो आपको वो मुझे अपने व्लॉग में दिखाना है, तो किस एंगल से मैं आपको दिखाऊं आपको मज़ा आए, क्या बोलूं आपको मज़ा आए। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बस वीडियो बनाता रहूं और अपलोड कर दूं, तो उससे तो आप बोर हो जाओगे। तो ये स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको दिखाना क्या है अपने ऑडियंस को। पहले आप खुद एज ए ऑडियंस सोचो कि ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ये अगर मैं खुद देखूँगा मुझे इंटरेस्ट आएगा देखने। जैसे कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ तो मैं रैंडमली दिखाता हूँ, कोई ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं होते, कोई जो भी होता है रैंडमली मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो गाइज यही कुछ बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। इतना ही करते रहना, मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाता रहूँगा, आर्ट वीडियोस बनाता रहूँगा, और एक बार फिर से कह दूँ जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जो भी मुझे देख के इंस्पायर होते हैं उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा, जितनी मेरे पास चीज़ें हैं जो भी मैं बाय करता हूँ, ड्राइंग मटेरियल ही ले लो आप, ड्राइंग मटेरियल्स ही जैसे कि मेरे पास हैं ये मैंने धीरे धीरे अपग्रेड किए हैं। आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ देख लो, मैं ओनली आर्ट लाइन पेंसिल्स यूज़ करता था, मैंने 1.5 लाख सब्सक्राइबर आर्ट लाइन पेंसिल से ही किए, कोई मैंने ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं किए हैं, कोई मैंने ज़्यादा गैजेट्स यूज़ नहीं किए हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ज़्यादा पका दी मैंने तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।